गाइस, मैं हूं साद नसीम और मैं आज हाज़िर हूं नई वीडियो के साथ, वही पुराने टॉपिक सर्वेइंग। और मैं आपको आज सिखाऊंगा, हमारे साथ ग्राम आज को आपको सिखाएंगे और साथ में खड़े हैं ट्रेनी जो कि सर्वेयर हैं, सिखाएंगे आपको कि लेवलिंग कैसे की जाती है, लेवलिंग का सही तरीका क्या है जिसकी मदद से आप फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। हमारे पास पड़े हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास लेवल है सूटिया का और ट्राईपॉड है, अच्छे किस्म की लेवलिंग है और हम शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपने जहाँ से सामान पड़ा हुआ आपने उठा लिया, फिर आपने नीचे बैठ जाना है जहाँ पे वो स्क्रूज़ हैं, आपने स्क्रूज़ तीनों इकट्ठे खोलने हैं। आपने स्क्रूज़ खोल लिए, लॉक भी अनलॉक कर लिया, तो फिर आपने स्क्रूज़ खोल के ना अपनी हाइट के बराबर आपने उसको खोल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइट के बराबर ही खोला हमने। हाइट के बराबर खोल के नट्स को टाइट कर दिया अब हमने। अब हम नट्स को टाइट करेंगे और तीनों नट्स जो हैं अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए ताकि बाद में हिलने का खदशा ना रहे। अब हमने उसको इस तरह से ओपन करना है कि बेस प्लेट हमारी लेवल में आए। बेस प्लेट कहते हैं सबसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना। बेस प्लेट लेवल में आ गई, अब हमने उठाना है इंस्ट्रूमेंट को निकालना है। और इंस्ट्रूमेंट को निकालने का क्या तरीका है, आपने उसको लिया लग ऊपर फिर बंद करके रखना है डब्बे को ताकि कोई नुकसान ना हो। फिर आपने उसको सीधा, ये देखें कैसे तरीका देख लें। और अब आपने क्या करना है, जो स्क्रूज़ हैं फोक्सिंग स्क्रूज़ वो बराबर आने चाहिए, कट के बराबर आने चाहिए। देखें कट क्या मीन्स, ये देखें ये कट है हमारा, ये कट है, ये बराबर आए हैं हमारे, बिल्कुल तीनों बराबर आने चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे कि इसकी लेवलिंग कैसे की जाती है, ये देखते हैं देखते हैं। ये हमारा बबल है जिसकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं। ये इस वक्त किस पे है, इस वक्त राइट पे है। हम स्क्रूज़ को क्या करेंगे, अंदरूनी तरफ हरकत देंगे दोनों को, वो देखें दरमियान में चला गया, दरमियान में चला गया। अब हम इस स्क्रू को हरकत देंगे थोड़ी सी, वो आ गया दरमियान में, ओके हो गया। अब हम इसको 90 डिग्री पे घुमा के देखेंगे, 180 पे हर तरफ रोटेट करेंगे। अगर कोई भी होगा लेवल का ना एक असूल है इसका, अगर वो आप जहन में रखेंगे ना, जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने यूनिट कन्वर्जन का असूल बताया था, इसी तरह इसका भी एक असूल है, देखते हैं आपको समझाता हूँ मैं। ये देखें इस वक्त क्या है, मैंने इसको अप कर दी स्क्रू को, जिस साइड से अप होगा बबल उसी तरफ होगा। ये देखिए मैंने अप किया, बबल इस तरफ आ गया, मींस क्या इस तरफ से अप है। अब हमने इसको करना है डाउन, कैसे करेंगे ये देखें, ये हमारा स्क्रू है, हम इसको डाउन करेंगे तो वो खुद ब खुद चला जाएगा, वो देखें लेवल में चला गया। तो इसको देखने का क्या तरीका है, ये देखें ऊपर मिरर लगा हुआ है इसके, वो मिरर नज़र आ रहा है आपको, वो मिरर नज़र आ गया आपको, वो मिरर से आप देखेंगे तो आपका नज़र आ जाएगा, तो आप यहाँ से लेवलिंग कर सकेंगे, आप यहाँ से लेवलिंग कर सकेंगे मिरर को देख के। ये देखें अब हमारा लेवलिंग हो चुकी है हमारी, तो अब आप ये लेवलिंग आपको आ गई है तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इससे आगे का काम इजीली शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। उम्मीद है आपको इसका वो भी समझ आ गया होगा, रूल भी किस रूल के तहत ये काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं था साद नसीम और हाज़िर हुआ था आज की अपने वीडियोज़ के साथ।